नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो सिलाइयों पे ये पोंचो बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने पतली ऊन से बनाया है और ये मेरी मम्मी के नाप का है, जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा होगा। और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने इसको बनाने के लिए पतली ऊन ली है, लेकिन आप जो ऊन लेना चाहें वो ऊन ले सकते हैं। यदि आप मोटी ऊन लेंगे तो आपको सिलाइयाँ भी बड़ी लेनी पड़ेंगी, बड़े 8 या 9 नंबर की लेनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप पतली ऊन लेंगे तो आपको सिलाइयाँ 10, 11 या 12 नंबर की लेनी पड़ेंगी। और ऊन इसमें जिस हिसाब से आप बना रहे हैं, यदि आप पूरे बड़े बंदे का, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, इसके लिए हमें 400 ग्राम ऊन लग जाएगी। लेकिन यदि हम इसे बच्चों का बनाएंगे तो उसमें हमें 200 से 250 ग्राम तक ऊन लग जाएगी। और इसको मैंने ये देखिए नीचे से शुरू किया है, इसमें नीचे बॉर्डर बनाया, उसके बाद ये उल्टी सीधी सिलाई बनाई है और दो सिलाइयाँ सीधी और दो उल्टी करते हुए बनाया है। और उसके बाद मैंने इसमें ये फलियाँ डाली हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे चौरस बनाया गया है ऐसे, इस तरह से, और इसमें ये इस साइड में ऐसे बटन लगा के इसको बंद किया गया है। इसके दो हिस्से बनेंगे, जैसे कि ये दिखाया मैंने इस तरह से, और ये चौरस हिस्से बनेंगे, जैसे कि ये इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए इसमें ये बॉर्डर बनाया है, इसमें देखिए। और इसके बाद ये दो सिलाइयाँ उल्टी और दो सीधी बनाते हुए बॉर्डर बनाया है। यही बॉर्डर हमारा इसके दोनों तरफ चलेगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और ऊपर जाके, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये बॉर्डर यहाँ पे ऊपर जब ये बंद होगा तो ऊपर भी इतना ही बॉर्डर बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए देखिए, अब ये इसमें उल्टी सिलाई आएगी। ये मैंने इसमें दोनों तरफ 10-10 फंदे छोड़े हैं। ये 10 फंदे हमने उल्टे बुन लेने। और इसके बाद ये 5 फंदों का ये वाला जो बीच में ये फली दिखाई हुई है मैंने, ये बनाई हुई है, इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए देखिए, इसमें ये अब हमारे पास ये सीधी सिलाई है, तो इसमें हमने ये एक ये फंदा ऐसे लेना है और इसमें ये हमने इस तरह से ये खोल लेना है इसको, और ऐसे ये इस तरह से लेना है। उसके बाद ये उल्टा, और ये वाला भी ऐसे ही, ये देखिए ऐसे खोल लेना इसको, और ये नीचे वाला जो फंदा था उसको खोल के ऐसे इस तरह से लेना, ये उल्टा। और ये फली बनाने के लिए हम जैसे इसमें फली बनाएंगे, ये सीधा ले लेंगे यहाँ से, ये 8 फंदे लेंगे इसमें, 1, 2। ये मैंने इसमें छोटी फली बनाई है, लेकिन इसमें मैंने ये पूरी बड़ी फली बनाई हुई है, 3। मैं ये इसको ऐसे एक फंदा उल्टा, ये दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। और इसके लिए हमें ये जो ये दूसरा है इस फंदा, इसको ऐसे खोल लेना हमने, और इसमें इस तरह से, और ये बीच वाला नहीं बुनना है, दो इधर के और दो इधर के ये छोड़ के, ये जो बीच वाला है इसको ऐसे ही उल्टा बुनना है। और ये जो फिर से है इसको थोड़ा एक फंदा उधेड़ना है, ये इसको ऐसे करके, और ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास। और जब हम इसका ये है कि ये इधर से ऐसे सीधा सीधा चलता जाएगा, इसका मतलब ये डिज़ाइन सही बन रहा है। और फली बनाने के लिए हम अब ये फली हमारी नीचे से, मैंने जैसे ये 10 फंदों की फली बनाई है और ये इधर को जा रही है, अब इसको हमने इस साइड को घुमाना है, तो इसके लिए हम इसको 5 फंदे, मुझे क्रोशिए पे उतारने आसान लगते हैं तो मैं इस पे उतारती हूँ, आप चाहें तो इसे सिलाई पे भी उतार सकते हैं। और ये इधर करके आगे की तरफ इसको धागा आगे पीछे ले जाना है, सीधे फंदे ये ऐसे बनाएंगे, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये जो हैं फंदे, इनको
इसी सिल इस पे उतार लेना है और ये बुन देने हैं ऐसे। इस तरह से अभी फिर से ऐसे ही आके उल्टा और वो डिज़ाइन आके चल देगा, लेकिन मैं आपको यहीं से घुमा के दिखाती हूँ। ये यहाँ से इसको उल्टा ही बुनना है फली की बैक साइड से, और ये 8 सिलाइयाँ बनानी है हमने। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से फली ऊपर से, जैसे ये इधर को गई है तो ये फली इस साइड को आ जाएगी नीचे वाली। इसमें मैंने पोंचो बनाने के लिए 150 के लगभग फंदे रखे हैं। और ये देखिए अब ये उल्टी सिलाई है, लेकिन ये इसमें सीधे उल्टे ऐसे बने हुए हैं, तो इसको हम इस तरह से ये दो सीधे ले लेने, और इसके लिए फिर से वैसे बुना ये सीधा ही जाएगा लेकिन ये उधेड़ेगा। ये वाला कुंडा हमने पीछे वाली जो उल्टी सिलाई बनाई थी तो उसमें उधेड़ा नहीं था, अब ये ऐसे इस तरह से ये देखिए पीछे नीचे वाला भी लेना और ये भी इस तरह से बनेगा, और ये वैसे ही सीधे इस तरह से बनते हो जाएंगे। और ये फिर से ये एक है तो ये एक और बनेंगे, इसके बाद ये सीधी सिलाई होगी 10 फंदों की। देखिए अब ये यहाँ से सीधी सिलाई आएगी। इसको बनाने के बाद हम इसको इसमें यहाँ से, जैसे इधर से मैं बताती हूँ आपको, इसको हमने इस तरह से मोड़ के और इसको अंदर से मोड़ के ऐसे, और यहाँ पे हम बटन लगा देंगे इसके यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये इधर लगाया हुआ है। यदि ये हम दोनों तरफ भी बटन लगा सकते हैं, लेकिन इसका सीधा और उल्टा साइड रखने के लिए हम एक साइड में बटन लगाएंगे, और इस तरह से ये तैयार होगा। इसका मैं आपको ग्राफ पे बताती हूँ। ये देखिए ये चोरस बनेगा ऐसे इस तरह से, इस तरह से चोरस बनेगा, और इसमें इतना ही चारों तरफ ये बॉर्डर एक जैसा बनेगा, और इसमें इधर से ये ऐसे गले की घटाई होगी, और ये जो हमने पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दो हिस्से ये जोड़ा जाएगा दोनों तरफ से, और इसमें ये मुड़ के ऐसे यहाँ पे बटन लगेगा। इसमें ये बॉर्डर का ये है कि ये जो हमने चार हिस्से हैं ये हमने एक जैसे रखने हैं, तभी ये ऐसे इस तरह से शेप लेगा पोंचो के। जैसे कि इसमें देखिए मैंने इसमें आपको दिखाया है, इसमें सिलाई मैंने इसमें बटन लगा के इधर से जितना हमें गला रखना है उतना हमने गला रख के, और उसके बाद हमने ये सिलाई करनी है यहाँ से इसमें इधर से, और ये इस साइड से सिलाई करते हुए ये पोंचो बन के तैयार होगा। उम्मीद है आज आपको ये पोंचो बनाना आसान लगेगा। यदि आपको आसान लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।